हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहां पर आंसर की जारी हो चुकी है और आई होप आपने आंसर की चेक भी कर ली होगी। इसके साथ साथ आई होप आपने नॉर्मलाइज स्कोर और अपना रैंक भी देख लिया होगा। जिन भी कैंडिडेट ने अपना अभी तक नॉर्मलाइज स्कोर और रैंक नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना आंसर की के साथ नॉर्मलाइज स्कोर और रैंक चेक कीजिए ताकि आपको अपना एक पोजीशन का पता चल सके। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 के अंदर टॉप 5 कैंडिडेट का क्या स्कोर रहा है, इसके साथ साथ उनका क्या रैंक है, उनका क्या नॉर्मलाइज स्कोर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं, लाइव आपको बताऊंगा कि देखिए इन बच्चों का ये स्कोर रहा है टॉप 5 कैंडिडेट का। सबसे पहले मैं पांचवे कैंडिडेट का बताऊंगा, फिर चौथे नंबर पे तीसरे, दूसरे और फिर पहले नंबर का। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके साथ साथ अगर आप भी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अब तक के जितने भी आपके एसएससी जीडी में स्कोर थे उसके सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि सर इतना नंबर भी क्या बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक मेहनत चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं पांच नंबर कैंडिडेट नीचे से शुरू करने वाला हूं, पांच नंबर, फिर चार नंबर, फिर तीन नंबर, दो नंबर, एक नंबर। तो पांच नंबर कैंडिडेट का देखिए टॉप 5 में से। तो यहां पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट का मैंने नाम हाइड कर दिया है। इसका यहां पर 160 में से 151 इसका स्कोर रहा है। इसके साथ साथ अटेम्प्ट कितना किया है इसने, 80 में से 80 अटेम्प्ट किया है। इसके साथ साथ 76 करेक्ट किए हैं, 4 इनकरेक्ट किए हैं और अन अटेम्प्ट कितना किया है, 0 अन अटेम्प्ट किया है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस कैंडिडेट ने 4 क्वेश्चन कौन से गलत किए हैं। इसका आप डेट भी देख सकते हैं, 7 मार्च 2024 को यह एग्जाम हुआ है। इसके साथ साथ शिफ्ट भी देख सकते हैं, 5 बजे से 6 बजे के बीच में यह एग्जाम हुआ है। तो किन किन कैंडिडेट का इस शिफ्ट में एग्जाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका कितना स्कोर बन रहा है वो भी आप बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने एप्लीकेशन से लिए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए अभी इस कैंडिडेट का अगर ओवरऑल आप एक्यूरेसी देखोगे तो यहां पर देख सकते हैं जैसे ओवरऑल इसका कितना रहा है और रीजनिंग में कितना रहा है। रीजनिंग के अंदर इसका देख सकते हैं 40 में से 40 रहा है, 20 में से 20 इसने सही किए हैं और एक्यूरेसी यहां पर 100% है। इसके बाद में यहां पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या हुआ था, करेक्ट किए थे इसने 17 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, इसके साथ साथ 3 अनकरेक्ट किए थे। इस हिसाब से 85 इसकी एक्यूरेसी रही है और 33.25 इसने 40 में से स्कोर किया है जीके के अंदर। इसके बाद में आगे देखें तो आगे यहां पर मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी यहां पर देख सकते हैं 40 स्कोर रहा है, 20 में से 20 इसने यहां पर करेक्ट किए हैं। और यहां पर अगर एक्यूरेसी की बात करें तो यहां पर 100% की एक्यूरेसी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप नीचे आए तो नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में यहां पर आप देख सकते हैं 37.75 का इसका स्कोर रहा है 40 में से, और 20 में से 19 क्वेश्चन इसने हिंदी में अटेम्प्ट किए मतलब करेक्ट किए हैं, इसके साथ साथ इनकरेक्ट इसने 1 क्वेश्चन किया है और यहां पर 95% इसकी एक्यूरेसी रही है। तो बहुत ही शानदार एक्यूरेसी है, इस कैंडिडेट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इसकी मेहनत वाकई में रंग लाई है। अब जो यहां पर इसके जीके के अंदर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने लोकनेत्य राय को लोकप्रिय बनाया, तो यहां पर इस कैंडिडेट ने कौन सा भरा था, तीसरा महाजन बिंदादिन इसने भरा था, ये गलत हो गया। सही आंसर होता है राम साहेब पांडे, ठीक है। अगला दिखाता हूं, अगला यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस कैंडिडेट का यहां पर जीके के अंदर गलत हुआ था, तीसरा ऑप्शन भरा था और ये गलत है और यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर आगे देखें तो आगे एक क्वेश्चन यहां पर ये देख सकते हैं इसने क्या है, जो एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इसने क्या किया, क्रिकेट भर दिया और ये क्रिकेट नहीं होगा, इसके सॉरी इसने फुटबॉल भरा है और क्रिकेट इसका सही आंसर होगा। तो ये एक ये सवाल इसका गलत हो गया। आगे देखें एक सवाल यहां पर आप देख सकते हैं जो हिंदी के अंदर गलत हुआ था,
तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो रोके आराम से पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें तो आगे यहां पर टॉप फोर कैंडिडेट का, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये टॉप फोर मतलब चौथा कैंडिडेट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब टॉप फोर कैंडिडेट का कितना स्कोर रहा है, तो सबसे पहले आप इसका डेट देख लीजिए कि किस डेट के अंदर इस कैंडिडेट का यहां पर एग्जाम हुआ था। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पर दिखाई दे। तो अब यहां पर देख सकते हैं 6 मार्च 2024 को इस कैंडिडेट का एग्जाम था, और समय देख सकते हैं 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में इसका एग्जाम हुआ था। तो किन किन कैंडिडेट का इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 नंबर कैंडिडेट है, टॉप फोर कैंडिडेट। इसके अंदर आप देख सकते हैं 160 में से 151 स्कोर रहा है, अटेम्प्ट 80 में से 80 किए, 80 में से 76 करेक्ट किए हैं, बहुत ही शानदार स्कोर है भाई, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ 4 इनकरेक्ट किए, 0 अनअटेम्प्ट किए, यानी 4 गलत किए, 0 मतलब एक भी क्वेश्चन इसने नहीं छोड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे आए तो नीचे भी आप देख सकते हैं जो टॉप फोर कैंडिडेट है इसका, यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, और करेक्ट कितने किए, यहां पर एक्यूरेसी इसकी रही है 100% की एक्यूरेसी रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है 100% की। इसके बाद में यहां पर अगर हम नीचे आए तो इसका अगर अगले सब्जेक्ट में देखें जैसे जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं इसने यहां पर 31 स्कोर किया है, और कितना 16 यहां पर क्वेश्चन सही किया 20 में से, अनकरेक्ट किया, इनकरेक्ट कितना किया, गलत कितना किया, 4 क्वेश्चन गलत किया, एक्यूरेसी यहां पर 80% की रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर आपको मैं आगे बता देता हूं, जैसे अगले मैथमेटिक्स में इस कैंडिडेट का, इस भाई का आप यहां पर देख सकते हैं 40 में से 40 स्कोर किया है, 20 में से 20 सही किया है, एक्यूरेसी यहां पर 100% की है। अगर यहां पर आगे बात करें अगले सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस देखें तो यहां पर देख सकते हैं हिंदी के अंदर 40 स्कोर किया है, करेक्ट कितना किया 20 में से 20 किया है, इनकरेक्ट कितना किया 0 किया है, एक्यूरेसी यहां पर 100% की रही है, तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है इस कैंडिडेट का। इसके बाद में यहां पर ये सवाल इसके गलत हुए, ये आप देख सकते हैं, वीडियो रोकिए आराम से पढ़ सकते हैं कौन सा सवाल गलत हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। कैंडिडेट ने दूसरा भरा है, यहां पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आगे देखिए तो एक क्वेश्चन ये जीके के अंदर ये भी गलत हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर इस कैंडिडेट ने दूसरा ऑप्शन भरा है, और सही कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। इसके बाद में आगे देखिए तो आगे एक जीके के अंदर एक क्वेश्चन और गलत किया है, जिसमें इस कैंडिडेट ने 4 ऑप्शन चूज किया है सौरभ शुक्ला को, लेकिन सही होगा सलमान रुश्दी। इसके बाद में आगे देखें तो आगे यहां पर ये देख सकते हैं, ये जीके का सवाल है, जीके के अंदर इसने ऑप्शन 1 को चूज किया है, लेकिन सही होगा, ये तो हो गया आपका गलत, और चौथा ऑप्शन यहां पर सही होगा। इसके बाद में आगे देखें, यहां पर टॉप 5 में से अब मैं तीसरे कैंडिडेट का यहां पर दिखा रहा हूं, टॉप 3 कैंडिडेट का, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर कैंडिडेट का 160 में से 151.25 नंबर बना है, इसकी आपका शिफ्ट देख सकते हैं 5 मार्च 2024 को इस कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो किन किन कैंडिडेट का इस बीच में एग्जाम हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने 160 में से 151.25 क्वेश्चन 25 नंबर बनाए हैं, और 80 में से 79 अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट किए 76, और इनकरेक्ट किए हैं 3, अनअटेम्प्ट किए हैं 1, इसने 1 स्किप भी किया है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद में अगर आप नीचे देखें तो ये यहां पर तीसरे कैंडिडेट का यहां पर आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख सकते हैं कि रीजनिंग में इसका 40 में से 40 रहा है, और यहां पर करेक्ट 20 में से 20 किया है, इसके साथ साथ 100% की एक्यूरेसी रही है। इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस जीके के अंदर जो टॉप 3 कैंडिडेट है इसका स्कोर आप देख सकते हैं 31.25 बना है, और करेक्ट इसने कितना किया 16 क्वेश्चन सही किया, 3 गलत हो गया, यहां पर इसका 3 गलत हो गया है, और एक्यूरेसी रही है 84.21 की, इसके भी इसने 1 किया, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे आए तो नीचे भी आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉप 3 कैंडिडेट है इसका देख सकते हैं 40 में से 40 स्कोर रहा है, 20 में से 20 करेक्ट किया है, इसके भी इसने 0 किया है, इसके बाद में एक्यूरेसी यहां पर 100% की रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर नीचे आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हिंदी के अंदर जो टॉप 3 कैंडिडेट है
इसका। अब यहां पर 40 में से 40 इसने स्कोर किया है और 20 में से 20 सही किए, एक्यूरेसी 100% की, स्किप जीरो किए हैं, इनक्रेडिट जीरो किए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये जीके का सवाल गलत हुआ है, इस कैंडिडेट ने तीसरा ऑप्शन यहां पर चूज किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर सही कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद में अगर आप नीचे आए तो नीचे भी आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जीके का और भी गलत हुआ था, तो यहां पर देख सकते हैं इस ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन इस कैंडिडेट ने यहां पर छोड़ दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको नहीं आ रहा था तो इसने स्किप कर दिया। इसके बाद में यहां पर आप नीचे देख सकते हैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर इसने क्या दूसरा ऑप्शन चूज किया था और इसमें सही कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। इसके बाद में यहां पर नीचे देख सकते हैं एक क्वेश्चन, यहां पर इसने ये गलत किया था, इसमें इसने पहला ऑप्शन बना था जो गलत हो गया और ये चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद में अगला देखें, अगला देखें, अब ये दूसरे नंबर का कैंडिडेट है, टॉप 5 में से दूसरे नंबर पर, टॉप 5 में से ये दूसरे नंबर पर है, इसका स्कोर आप देख सकते हैं। इसकी शिफ्ट हुई थी 7 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ था और समय देख सकते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो किन किन कैंडिडेट का इस समय के बीच में एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद में आपका कितना स्कोर है वो ये भी आप बताइए। तो यहां पर देख सकते हैं 160 में से 153.25 बहुत शानदार स्कोर किया है, आप भी कर सकते थे लेकिन आपको मेहनत करना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं अटेम 80 में से 80 किए, 77 करेक्ट किए, मतलब सही 77 किए, गलत कितने किए, 3 किए और 0 स्किप किए, तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं तो ये कैंडिडेट 160 में से 160 भी ला सकता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं। अब इसका अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखें तो यहां पर रीजनिंग में देख सकते हैं 40 में से 40 स्कोर करेक्ट, 20 में से 20, इनकरेक्ट 0, स्किप्ड 0, एक्यूरेसी यहां पर 100% की, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में तो आप भी अपना एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं स्कोर यहां पर 35.5, करेक्ट 18, इनकरेक्ट 2, स्किप्ड यहां पर 0 और एक्यूरेसी यहां पर 90। जनरल अवेयरनेस में इसके 3 सवाल यहां पर, 2 सवाल यहां पर गलत हो गए थे। इसके बाद में यहां पर देखिए ये टॉप 3 कैंडिडेट का स्कोर है, अभी टॉप 2-1 का भी देखेंगे कितना कितना इनका बन रहा है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में देख सकते हैं 40 में से 40 करेक्ट, यहां पर 20 में से 20, इनकरेक्ट यहां पर 0, स्किप यहां पर 0, एक्यूरेसी यहां पर 100% की। अगर नीचे अगर हम देखें हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर भी आप स्कोर देख सकते हैं, हिंदी के अंदर 1 यहां पर गलत हुआ था और ये स्कोर 37.75 का बना था। इसके बाद में हिंदी के अंदर ये वेद समाज की स्थापना, ये जीके का सवाल है, ये गलत हो गया था, ऑप्शन 3 यहां पर चूज किया था जो कि गलत है, ऑप्शन 2 यहां पर सही होगा। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने, ये क्वेश्चन इसका गलत हुआ था, 2 नंबर इसने चूज किया था, तीसरा सही होगा। इसके बाद में आगे देखें, एक सवाल इनका ये गलत हुआ था तो ये भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये टॉप 5 में से ये 1 नंबर कैंडिडेट है, मतलब टॉपर आप इसको बोल सकते हैं, 155.5 का इसने शानदार स्कोर किया 160 में से, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस कैंडिडेट को। और इसका एग्जाम भी आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, और अटेम्प्ट कितना किया था, 80 में से 80, बहुत शानदार स्कोर किया था, 78 इसका सही हुआ था, 2 इसका गलत हुआ था। इसके बाद में अनअटेम्प्ट यानी छोड़ा कितना था, तो 0, यानी 78 सही है, 2 गलत है, तो यहां पर बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर ये कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर ये मेरा ही स्कोर है, तो यहां पर मैंने नाम तो इसका हाइड कर दिया गया है। अब यहां पर अगर आप नीचे देखें तो यहां पर इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं, एनालिसिस के अंदर रीजनिंग के अंदर 40 में से इसने 20 में से 20 सही किए हैं और इनकरेक्ट 0 किए, 100% की एक्यूरेसी रखी है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर स्किप 0 किए। इसके बाद में इसने यहां पर जो जनरल अवेयरनेस जीके है, तो जीके के अंदर यहां पर 35.5 का स्कोर किया है, करेक्ट 18 किए हैं, गलत इसने 2 किए, 0 यहां पर इसने स्किप किए और 90% की यहां पर एक्यूरेसी दी है, तो बहुत शानदार एक्यूरेसी है। इसके बाद में आप अगर नीचे देखें तो इसके अंदर मैथमेटिक्स में इसने 40 स्कोर किया है, 20 में से 20 सही किया है, गलत यहां पर 0 किया है और इसके भी यहां पर 0 है, 100 में से 100% की यहां पर एक्यूरेसी रही है। इसके बाद में यहां पर अगर आप नीचे देखें हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर भी यहां पर आप देख सकते हैं 40 में से 40 इसका यहां पर स्कोर रहा है, 20 सही किया है, 20 में से 20, 0 स्किप गलत किए है, स्किप 0 किए है और करेक्ट एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 100% की रही है। इसके बाद में यहां पर आप रैंक देख सकते हैं, तो यहां पर
रैंक में आप सबसे पहले रो स्कोर देखिए 155.5 का यहाँ पर रो स्कोर रहा है। इसके साथ साथ नॉर्मलाइज मार्क देखिए तो 166.58 का इसका नॉर्मलाइज स्कोर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि जो भी जो जिसको अभी तक मालूम ही नहीं है कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वही लोग बोलेंगे कि 160 में से इस कैंडिडेट के 166.58 कैसे बन गए। तो फ्रेंड्स एक बार जिस भी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है या सीजीएल वगैरह का एग्जाम दिया है या सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम दिया है उस कैंडिडेट को बिल्कुल पता होगा कि यहां पर नॉर्मलाइज स्कोर 166.58 कैसे हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर रो स्कोर इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर की इसकी एक यहाँ पर रैंकिंग रही है। ऑल इंडिया के अंदर 35,115 कैंडिडेट में से एक नंबर इसकी रैंकिंग रही है। इसके बाद में नॉर्मलाइज स्कोर में देखें तो यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर में भी आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी ऑल शिफ्ट में इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपना चेक करना चाहते हैं रैंक वगैरह तो इस प्रकार आप अपना चेक कर सकते हैं जहां पर आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर का भी पता चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना जैसे जेंडर है तो मेल कैटेगरी के अंदर आपकी क्या रैंक वगैरह है सारा कुछ यहाँ पर बता देगा। इसके साथ साथ आपके अपने स्टेट के अंदर भी यहाँ पर आपके रैंक वगैरह बता देगा, पोजिशन वगैरह बता देगा, जिससे एकदम आपको सटीक कट ऑफ का अंदाजा भी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर इस कैंडिडेट का आप रैंक देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका कौन सा गलत हुआ था तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये सवाल इसका गलत हुआ था अंजुम चोपड़ा वाला। इसके बाद में एक सवाल इसका यहां पर ये गलत हुआ था। इसके बाद में अगर अगला देखें तो ये दो सवाल ही गलत हुए थे तभी इतना स्कोर बन पाया है। तो सॉरी, अगर आप भी फ्रेंड्स अपना यहां पर इस प्रकार रैंक चेक करना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां से जाके आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर में आ जाना है, आपको सर्च करना है SSC GD और इस प्रकार की एप्लीकेशन आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है और 500,000 कैंडिडेट प्लस यहां पर इसने डाउनलोड कर रखे हैं। तो इस एप्लीकेशन में जाइए, यहां पर आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया कि किस प्रकार रैंक चेक करना है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी क्या रैंक है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।